हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल विंजो वर्ल्ड ऑफ लव वांगसेन पर। आज मैं वेटेड फॉर हिम का नेक्स्ट पार्ट शेयर कर रही हूँ। कहानी की शुरुआत होती है अपने युआन से। युआन ने झाऊ को अपने पास पकड़ रखा था। झाऊ की आंखों में आंसू बह रहे थे। जितने भी मेहमान आए थे सब जा चुके थे। सभी एक साथ वही हॉल में खड़े थे। बीच में वैन खड़ा था उसी पर्सन के साथ जिसे उसने देखकर लव कहा था। तो ये लव नहीं बल्कि लवलेस है। वैन का वही दोस्त जिससे आप सब ने इस फैन फिक्शन की शुरुआत में मुलाकात की थी। लवलेस वैन से बोलता है, वैन वैन मेरे भाई, तुम ठीक हो? तुम जिंदा हो? तुम ठीक हो? वैन लवलेस को देखता रहता है, कुछ नहीं बोलता। तभी मिस्टर जैन वैन के पास आते हैं। उसके फेस पर वो सारे फोटोस को फेंकते हैं और बोलते हैं, वैन के सिंह, ये सब क्या है? मैं तुम्हें क्या समझ रहा था और तुमने ये क्या किया? वो जो फोटोस थे उसमें पहले तो वैन एक ट्रक ड्राइवर से बातें कर रहा था, दूसरे में उससे कोई उसे पैसे दे रहा था, तीसरे में वैन ट्रक को चलते हुए देख रहा था और चौथे में उस ट्रक ड्राइवर ने एक जीप का एक्सीडेंट किया और वो जीप वो ही थी जिसमें मिस्टर जैन और यान थे। अब फाइल ने जो पेपर्स पकड़े थे उस पेपर्स में वैन के मेडिकल रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि वैन को हार्ट प्रॉब्लम बहुत पहले से थी और यहाँ तक कि उन पेपर्स में ये भी लिखा हुआ था कि वैन और यान का हार्ट मैच हो रहा है। फिर वैन के पास जाता है, उसे वो सारे पेपर्स एक के बाद एक दिखाता है और बोलता है, ये सब क्या है वैन के सिंह, इन पेपर्स का क्या मतलब है? तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम थी? और मिस्टर जैन ने जो फोटोस पकड़ रखे थे उन्हें वैन को दिखाता है, बाकी सबको भी दिखाता है और बोलता है, ये सब तुमने किया वैन, तुमने झाऊ। ये सब देखकर रोया जा रहा था। युआन झाऊ के पास ही खड़ा था। अब फई जो वैन से इतना सवाल कर रहा था तो लवलेस बोलता है, ओ हेलो, तुम हो कौन जो मेरे वैन को, मेरे भाई को ऐसे बोल रहे हो? फई बोलता है, मैं कौन हूँ? मैं फई हूँ, यान का दोस्त। लवलेस बोलता है, कौन यान बे? वैन धीरे से बोलता है, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। लवलेस, जिसका दिल मेरे सीने में धड़क रहा है। लवलेस जैसे ही सुनता है चौंक जाता है और बोलता है, क्या क्या बोल रहा है भाई? मतलब तुझे हार्ट प्रॉब्लम भी थी और मुझे पता ही नहीं था? अब सब वैन को गुस्से से देखे रहे थे। जिन भी वैन को गुस्से से देखता है और बोलता है, तो तुम थे जिसकी वजह से मैंने मेरे दोस्त को खो दिया, जिसकी वजह से मेरे दोस्त की मौत हुई और अब तुम उसी के घर में हो और उसी के प्यार के साथ रह रहे हो। मैंने तुम्हारे जैसा बेकार इंसान नहीं देखा वैन के सिंह। झाऊ जिंग तो कुछ नहीं बोल रहा था, वो तो बस ये सब तमाशा देख ही रहा था। आखिर झाऊ जिंग कुछ बोलता भी कैसे? आखिर झाऊ जिंग तो वहाँ एक दिल के सिलसिले में आया था। झाऊ वैन के पास आता है, वैन के कॉलर को पकड़ता है। झाऊ के आंखों में आंसू रहते हैं। झाऊ वैन से बोलते हैं, लाओ वैन, क्यों क्यों तुमने ऐसा किया? क्यों लाओ वैन? आखिर मेरे यान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था लाओ वैन? क्या बिगाड़ा था लाओ वैन? क्यों क्यों तुमने मेरे यान के साथ ऐसा किया? क्यों तुमने मेरे यान को मारा लाओ वैन? क्यों आखिर क्यों? वैन झाऊ के फेस को पकड़ता है अपने दोनों हाथों से और बोलते हैं, आशु मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था पर ऐसा हुआ। मैं कभी भी यान की जगह नहीं लेना चाहता था आशु, पर मुझे माफ़ कर दो आशु,
मेरी इसमें कोई गलती नहीं है आशु। मिस्टर जैन अचानक ही सामने आते हैं, वैन को खींच कर थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सारी की सारी तुम्हारी गलती है, ये सारे के सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ़ है, ये हॉस्पिटल के पेपर्स, ये फ़ोटोस सब तुम्हारी सच्चाई बता रहे हैं और तुम बोल रहे हो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। वैन बोलते हैं, पापा मेरी बात तो सुनिए। मिस्टर जैन फिर से वैन को एक और थप्पड़ मारते हैं और गुस्से से बोलते हैं, मत कहो मुझे अपनी गंदी जुबान से, पापा तुमने मेरे बेटे को मार डाला, तुम्हारी वजह से मैंने अपने इकलौते बेटे को खो दिया, अगर तुम्हें हार्ट प्रॉब्लम थी तो तुम्हें अपना इलाज करवाना था, पर तुमने तो मेरे जीते जागते बच्चे को ही मार डाला। वैन के सिंह, तुमने मेरे बेटे को ही मार डाला। वैन बोलने की कोशिश करता है पर वैन को कुछ भी नहीं बोलने दिया जाता और वो कुछ बोल भी नहीं पाता। फाई वैन का कॉलर पकड़ता है, उसे खींचकर दरवाजे के पास ले जाता है और बोलते हैं, तुम्हारी वजह से मैंने अपने इकलौते दोस्त को खोया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता, निकल जाओ यहाँ से, इस घर से निकल जाओ, कभी भी मेरे दोस्त के घर में वापस मत आना। वैन बोलता है, फई मेरी बात सुनो। फई बोलता है, कुछ नहीं सुनना मुझे, निकल जाओ तुम। वैन दौड़ के वापस झाऊ और मिस्टर जैन के पास जाता है, झाऊ के पैरों पे गिर जाता है, आशु प्लीज़ मुझे खुद से दूर मत करो आशु, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता आशु। झाऊ की आंखों में आंसू बह रहे थे, झाऊ कुछ भी नहीं बोल रहा था। अब वैन मिस्टर जैन के पैरों को पकड़ लेता है, पापा पापा मुझे यहाँ से मत निकालिए, पापा प्लीज़ मैं कहाँ जाऊँगा, पापा मैं कहाँ जाऊँगा। मिस्टर जैन बोलते हैं, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दे सकता, तुम्हारी वजह से मैंने अपने बेटे को खो दिया। अब मिस्टर जैन खुद ही वैन को पकड़ते हैं, दरवाजे के पास ले जाते हैं और वैन को सीधे बाहर फेंक देते हैं, निकल जाओ वैन के सिंह, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। वैन मेन गेट के बाहर खड़ा था, वैन की आंखों से आंसू बह रहे थे। जिन भी लवलेस के हाथ को पकड़ता है जहाँ वैन खड़ा था, वही उसे ले जाता है। अब वैन और लवलेस एक साथ ही खड़े थे, वह किंग लुओ बाई साओ भी थे। ये सब देख के उन सभी का मन भी उदास हो गया था, वो सभी तो इस दर्द को शायद फील भी नहीं कर सकते थे, तो इस दर्द को कभी शायद ही उन लोग फील कर सकते थे इस दर्द को, पर पता नहीं क्यों किंग बार बार झाओ जिंग को ही देखा जा रहा था। अब झाओ जिंग जैसे ही किंग को देखता है, झाओ जिंग तो घबरा सा जाता है और अचानक ही किंग की नज़रों से दूर हो जाता है। अब लवलेस वैन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब भाई मिस्टर जैन से बोलते हैं, अंकल मुझे जाना होगा। मिस्टर जैन बस हाँ में सर हिला देते हैं, भाई बाकी सब को लेकर वहाँ से चला जाता है। किंग जाता हुआ भी बार बार झाओ जिंग को ही देखा जा रहा था। अब मिस्टर जैन झाऊ के पास आते हैं, झाऊ से इन सभी बातों के लिए माफ़ी मांगते हैं। झाऊ तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, झाऊ को सिर्फ आंसू ही आ रहे थे। युआन मिस्टर जैन से बात करता है, उन्हें ग्रीट करता है और झाऊ को वहाँ से ले जाता है, ले जाने की बात करता है, तो मिस्टर जैन मना करते हैं कि इतनी रात को ना जाए, पर झाऊ बोलता है, नहीं अंकल मैं जाना चाहता हूँ। मिस्टर जैन कुछ नहीं बोलते और जाने देते हैं। अब जब युआन झाऊ को मेन गेट से लेकर जा रहा था, तो फई जिन और झाऊ जिन देख रहे थे। अब झाऊ युआन के साथ कुछ दूर आ जाता है, तभी झाऊ को रास्ते पर कुछ पड़ा हुआ देखता है। झाऊ पहले तो ध्यान नहीं देता, फिर जब देखता है तो वो देखता है
वो वही कपड़ा रहता है जिससे थोड़ी देर पहले उसी पर्सन ने पहना था जिसने झाऊ को वो एनवलप दी थी। झाऊ उस कपड़े को उठाता है तो अचानक उस कपड़े से कुछ गिर जाता है। झाऊ उसे देखता है और अपने पास रख लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है ओशी पर। ओशी अपनी माँ के साथ उन्हीं के पास बैठा रहता है। उसी की माँ उसी को समझाती रहती है और उसी वैसे ही उनके गोद में सर रख कर सो जाता है। उसी की माँ देखती है उसी सो गया तो वो उसी के सर को सहलाती रहती है और मन ही मन बोलती है, मैं उस शहर कभी नहीं जाना चाहती थी, मैं अपना अतीत वही छोड़ आई थी, पर अब मुझे जाना होगा। तुम्हारे लिए बेटा मैं जाऊंगी, तुम्हारे प्यार के लिए मैं ज़रूर जाऊंगी बेटा। अब सीन शिफ्ट होता है दूसरे दिन में। सब अलग अलग ही सा ही हो गया था। युवान झाऊ को घर ले आया था और यहाँ लवलेस भी वेन को अपने घर ले आया था, पर वो उसे वेन के असली घर नहीं ले गया था। वेन ने लवलेस को अपने और झाऊ के बारे में सब कुछ बता दिया था। लवलेस तो ये सब जान के हैरान रहता है। लवलेस बोलता है, भाई इतना सब हो गया और मुझे कुछ भी नहीं पता था। सॉरी भाई, मैं तेरे साथ नहीं था, पर वो बॉडी तो हर वो जो घर पर आई थी वो तो हूबहू तेरे जैसी थी। जैन वेन बोलता है लवलेस को यान के बारे में, तब सब बता देता है। लवलेस के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है मिस्टर जैन के घर पर। मिस्टर जैन तो अलग से ही हो गए थे। मिस्टर जैन कहीं ना कहीं वेन को अपना बेटा ही मानते थे। मिस्टर जैन वो मानते थे कि मिस्टर जैन वेन को यान जैसे प्यार करते थे। मिस्टर जैन तो थोड़े अजीब से ही हो गए थे। जिन मिस्टर जैन से बातें करता रहता है और वेन को बुरा भला बोलता रहता है। मिस्टर जैन के दिमाग में तो बस एक ही बातें चल रही थी कि आखिर क्यों वेन ने ऐसा किया, आखिर क्यों वेन के हार्ट में प्रॉब्लम थी तो वो कैसे भी खुद को बचा सकता था, पर आखिर उसने मेरे बेटे की जान क्यों ली, आखिर क्यों, आखिर यान ने वेन का क्या बिगाड़ा था। यान तो वेन को जानता भी नहीं था। मेरा बेटा तो बस उस रोज़ झाऊ से मिलने जा रहा था और उसने मेरे बेटे का एक्सीडेंट करवा दिया। मेरा बेटा जो झाऊ से प्यार करता था आखिर में मर गया और उसका दिल उसे वेन के सिंह को मिला। मुझे लगा कि इन सब में वेन की क्या गलती थी कि यान का दिल उसे लगा, पर नहीं, सब गलती वेन की ही थी। उसने मेरे बेटे का एक्सीडेंट करवाया, उसी की गलती थी सब, और मैंने अपने बेटे को खो दिया। पता नहीं झाऊ की क्या हालत हो रही होगी, मैं तो शायद झाऊ के दर्द को फील भी नहीं कर सकता। आखिर उस पर क्या बीती होगी जब उसे पता चला कि वो वेन जिसके सीने में उसके यान का दिल है वो सब उस वेन की सोची समझी चाल थी। उसने जानबूझकर वो एक्सीडेंट करवाया और मेरे बेटे का दिल लगा लिया। आखिर क्यों इसमें यह सब क्या हो गया, आखिर क्यों उसने ये सब किया, मुझे नहीं पता, पर उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। उसने मेरे बेटे को, मेरे इकलौते बेटे को मुझसे छीन लिया। मैं नहीं जानता उसने ऐसा क्यों किया, पर उसने ऐसा किया। मैं नहीं समझ पा रहा, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है एक अलग जगह पर। हमें एक बस दिखाया जाता है। उस बस से हमें एक औरत को उतरते हुए दिखाया जाता है जिसने बहुत ही सुंदर साड़ी पहन रखी थी, बहुत ही अच्छे तरीके से, और वो औरत एकदम सुंदर लग रही थी, बहुत ही सुंदर दिख रही थी। वो उतरती है, उसके हाथ में बैग रहता है और उतरने के बाद वो फिर बस की तरफ देखती है और बोलती है, बेटा जल्दी उतरो, चलो घर जाना है ना। और जैसे उतरते हैं तो अब जब वो
जिसको बोलती है बेटा उतरो घर जाना है करके। तो हम देखते हैं जो उतरा था वो अपना वोशी रहता है। वोशी बोलते हैं हाँ माँ चलिए करके। अब ये दोनों अब अपना वोशी जहाँ रहता है वही आते हैं और वोशी अपनी माँ को अपने घर ले आता है। अब इन लोग घर जाते हैं और घर के अंदर जाते हैं। वोशी अपनी माँ से बहुत सारी बातें करता है, उन्हें बताता है कि क्या क्या हुआ है सब कुछ। मतलब वोशी की माँ को युआन झाओ और वोशी के बारे में पता रहता है, वो उनको ये सब बता देता है। अब वो वोशी की माँ झाओ से और युआन से मिलने की जिद करती है। वोशी मना करता है कि नहीं माँ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता वापस मिलना, मैं कभी भी अब युआन से मिलना नहीं चाहता। अगर मैं उससे मिला तो मैं नहीं चाहता वापस, मैं नहीं चाहता, वोशी की माँ बोलती है। वोशी की माँ वोशी के फेस को पकड़ लेती है और बोलती है बेटा मुझ पर भरोसा करो, मैं सब ठीक कर दूँगी, तुम अपनी माँ पर भरोसा करते हो ना। तो वोशी अपनी माँ के हाथों को जो उसके गालों पे हाथ रखे रहती है तो उसको प्यार से पकड़ता है और बोलते हैं माँ बस मुझे आप पर ही तो भरोसा है, पर मैं नहीं जानता माँ, मैं डरता हूँ माँ, युआन को मैंने बहुत हर्ट किया है माँ, मैंने बहुत हर्ट किया है। किन मैंने जब किन को खोया तो मैं गुस्से में था और मैंने उसकी लाइफ बर्बाद करना चाहा, उसे हर्ट करना चाहा, पर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मैंने उसे इतना ज़्यादा हर्ट किया है कि अब मैं डरता हूँ उसकी लाइफ में वापस जाने से, डरता हूँ माँ, मुझे नहीं पता पर मैं डरता हूँ माँ, अगर मैं कुछ नहीं जानता माँ, बस मुझे डर लगता है माँ, मुझे बहुत डर लगता है, मैं युआन को नहीं बता सकता माँ, मैं सब कुछ भी नहीं बता सकता कि ये सब क्या हो रहा है। युआन को बस इतना पता है कि मैंने उसके साथ ये सब कुछ किन के कारण किया, पर अगर मैं उसे सच्चाई बता दूं कि मैंने किन के अलावा और क्यों ऐसा किया है तो शायद झाऊ, मुझे नहीं पता माँ, शायद वो झाऊ को खो दे, मैंने तो अपने भाई को खो दिया माँ, पर मैं नहीं चाहता माँ कि युआन झाऊ को खो दे, युआन अपने भाई से बहुत प्यार करता है माँ, मैं नहीं चाहता माँ ऐसा कुछ भी हो। अब इन लोग ऐसे बात करते रहते हैं और वोशी की माँ वोशी को समझाती रहती है कि उसे युआन को सच्चाई बता देनी चाहिए करके। अब सिन शिफ्ट होता है अपने ये भाई किंग लू और साओ पर। अब इन लोग एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। किंग ये भाई से पूछता रहता है कि ये सब क्या था, ये सब क्या हुआ वहाँ पर। असल में सभी का नया साल कुछ अलग ही गया था, सबके सब जो कि नए साल में एंजॉय करने गए थे, सबके सब सोचे थे कि नया साल अच्छा जाएगा, पर सभी का नया साल बर्बाद सा गया था। कहीं ना कहीं ये भाई भी मिस्टर जैन को मानते थे और यान को भी मानते थे, तो इसलिए ये भाई का भी मूड सही नहीं था। और किंग जो कि ये भाई को उदास देख के परेशान था और साओ किंग को परेशान देख के परेशान थी और लुओ तो साओ को परेशान देख के परेशान थी। ये सब भी अलग से ही हो गए थे, इनके भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और किंग जो कि ये भाई से बात कर रहा था कि ये सब क्या हो गया करके, तो ये भाई बोलता है मुझे भी नहीं पता ये सब क्या हो गया है किंग, पर मैं नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा, मुझे लगा था कि वीन के सिंह अच्छा लड़का है, अच्छा इंसान है, पर उसने तो यान की जान ले ली, उसकी वजह से यान की जान गई। तो बोलता है अपना किंग ये बात अलग है कि उसकी वजह से यान की जान गई, पर मैंने वहाँ कुछ देखा, मैंने उस पर्सन को देखा, मुझे पता नहीं क्यों वो देखा देखा लग रहा था। तो ये भाई बोलता है कौन पर्सन, तुम किसकी बात कर रहे हो। तो किंग बोलता है वही जो वहाँ था, वो उनका नाम, उसका नाम क्या था, हाँ झाओ सिंह, शायद वो झाओ सिंह था, उसका वही नाम था, मैंने उसे कहीं और ऑलरेडी देखा है, पर कहाँ देखा है
मुझे ठीक से कुछ याद ही नहीं आ रहा, पर मैंने उसे देखा है। कहाँ देखा है? कुछ तो है। कहाँ देखा? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, पर मैंने उसे कहीं देखा है। तो ये भाई बोलते हैं, तुमने उसे कहीं देखा है? मतलब कहाँ देखा है तुमने? तो किम बोलते हैं, वही तो मुझे याद नहीं आ रहा कि आखिर मैंने उसे कहाँ देखा है। और ये सब के सब हैरान हो जाते हैं, बोलते हैं, उसे देखा है पर कहाँ देखा है? इन लोग ये सब सोचते रहते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है फई पर। फई एक जगह पर गए रहता है, जगह पर मतलब एक बड़ा सा गार्डन होता है जहाँ पर वो गए रहता है। वो जैसे ही जाता है वहाँ जाके खड़ा रहता है और कॉल पर बात करता रहता है और बोलते हैं, तो कब तक तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ेगा? तुम यहाँ आ रहे हो ना? तो जो जिससे वो फ़ोन में बात करते रहते हैं बोलते हैं, अरे हाँ भाई आ रहा हूँ। तो तूने उसे तो कहा है ना मिलने के लिए, वो भी तो आ रहा है ना? तो फिर बोलते हैं, अबे वो आ जाएगा, पहले तू तो आ। तो ऐसे बोलते हैं, हाँ हाँ आ रहा हूँ, रुक तो जा। अब अचानक ही थोड़ी देर में वो जिस जगह पे खड़ा रहता है उस जगह पर अचानक से पीछे से फई को आवाज़ आती है, ले भाई मैं तो आ गया। वो तो फई पीछे मुड़ के देखता है और जो पर्सन आया था उसे देखकर मुस्कुराता है। फिर एक और पर्सन आता है और वो बोलता है, मैं आ गया, तो कैसी रही ये सब? तो फई और जो पर्सन आया था, फई जिसे देख के मुस्कुराया था, ये दोनों एक साथ उस पर्सन को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। अब वो जो पर्सन आया था वो भी मुस्कुराते हैं। अब ये तीनों एक साथ मिल के हंसने लगते हैं और एक अलग ही डेविल स्माइल देते रहते हैं और हंसते रहते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। अब हमें बताया जाता है वुशी की मॉम को। वुशी की माँ जो कि वुशी से ज़बरदस्ती ही झाऊ के घर का एड्रेस निकलवा लेती है कि झाऊ कहाँ रहता है, झाऊ और युआन कहाँ रहते हैं, इनका घर का एड्रेस निकलवा लेती है। और वो जाते रहती है, मतलब उससे मिलने के लिए जाते रहती है, जो कि इन दोनों का घर थोड़ा सा पास पास ही रहता है, तो उससे मिलने के लिए जाते रहती हैं। तो वो उसे मना करता है कि मत जाइए माँ, मत कहिए, मत कीजिए कुछ भी ऐसा। पर वो उसी की माँ नहीं मानती और बोलती है, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें कभी ऐसे उदास नहीं देख सकती। जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तो तुम मेरे साथ थे, और आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मैं तुम्हारा साथ देना चाहती हूँ बेटा। अगर तुम या तुम्हारे परिवार ने उस वक्त पर मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। और आज तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प पूरी करूँगी। और हाँ मैं युहान को समझाऊँगी कि ये सब क्या हो रहा है और असल में असली गुनहगार कौन है और वो किस पर विश्वास करे और किस पर नहीं। मुझे झाऊ को भी बताना है कि सब क्या हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैं झाऊ को बचाना चाहती हूँ। तुमने तो मुझे बताया है ना, तो मैं झाऊ को बता सकती हूँ ना, इससे उस पर कोई ख़तरा नहीं होगा ना, वो तो बच जाएगा ना। उसी बोलते हैं, नहीं माँ प्लीज़ रुक जाइए माँ, वरना अगर कुछ भी हुआ तो शायद युआन झाऊ को खो दें, मैं ऐसा नहीं चाहता माँ, प्लीज़ माँ रुक जाइए माँ। और अब यही ख़त्म हो रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ ये फैन फिक्शन आपको पसंद आया हो, ये फैन फिक्शन तो है ही, ये पार्ट पसंद आया हो। उम्मीद है कि आप सभी को ये पसंद आए, और आप सभी को इसमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं, ये सब आप मुझे ज़रूर बताएं। जय विंध्य हो दोस्तों।